व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। फिलहाल तब तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे धूप लग गई काफ़ी ज़्यादा एंड उसकी वजह से मेरा वीकनेस ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। पुश करी मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ पुश कर में मैं सिर्फ हॉस्टल में रहता दिन भर, शाम को थोड़ा बहुत निकल गया, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है क्योंकि हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड अभी भी मैं जब निकला हूँ तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। पुष्कर में करीब 5 दिन था, जिस वजह से एक दिन मैंने अजमेर निकाल लिया, बट हालांकि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं आपको 4 दिन में जितने भी छोटे मोटे क्लिप्स जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो सब मैं कंबाइन करके डाल दूंगा। अभी फिलहाल मैं अजमेर स्टेशन पे हूँ, यहाँ से मैंने जयपुर की ट्रेन बुक की है, तो मुझे 90 रुपये से पड़ा है। मैं बता दूँ कि मैं जितने भी ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में वो सारे जनरल में कर रहा हूँ। कुछ लोग रिजर्वेशन AC में तो काफ़ी ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है बहुत लोगों के लिए, तो मैं उन्हीं लोग के लिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको घूमना है तो आप जनरल में भी ट्रैवल कर सकते हो। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट एक बार हॉस्टल पहुँच जाओ, वहाँ पर रेस्ट कर लो, नॉर्मल हो जाएगा। सॉरी यार, लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे लाइट की कमी है। तो आप सभी को पता है कि मैं जयपुर तो पहुँच गया था, तो आते ही मैं गो स्टॉप करके हॉस्टल है, मैं वहाँ पर रुका हुआ हूँ, सो आते मैं सो ही गया। आके मैं दिन भर सोया था, अभी शाम को मैं निकला। यहाँ पे एक संजय ऑमलेट करके हैं, बहुत फेमस है, तो उन्हीं के पास गया था मैं अंडा खाने। मैंने मिक्स वेज लिया था, काफ़ी हेल्दी ऑमलेट था वो, कुछ तकरीबन मुझे पड़े 126 रुपीज़ पड़े। इनफ था, अच्छा सा पोर्शन था, खाने में बहुत टेस्ट था। बस वहाँ से खा के मैं भी यहाँ पे आया हूँ। ये है अमर जवान ज्योति, जो कि विधानसभा रोड पे आता है। बस यहाँ पे मैं था, यहाँ हवा मस्त चल रही इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, और यहाँ पे ना हर घंटे में कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो बस वही देखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। एक चीज़ ज़्यादा, जयपुर बहुत ज़्यादा ही ओपन है और यहाँ पे हवा मस्त चलती है हवा, एंड काफ़ी अच्छा शहर है ये। एक और बात है कि जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। चलते